शहर की आधी आबादी को जोड़ने वाला कपूर कंपनी रेलवे पुल पूर्ण रूप से शहरवासियों के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि कपूर कंपनी रेलवे पुल पिछले काफी समय से पैदल यात्रियों के लिए चल रहा था, जबकि दोपहिया वाहन के लिए इस पुल को रेल प्रशासन द्वारा पहले ही बंद कर दिया गया था, मगर अब इस पुल को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। अब पैदल लोग भी इस पर नहीं जा सकेंगे। वहीं पूर्ण रूप से रेलवे कपूर कंपनी पुल को बंद किए जाने के बाद लाइन पार वासियों के लिए कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं। एक ओर जहां लाइन पार वासियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो वहीं अतिरिक्त समय और जेब ढीली भी करनी पड़ेगी। कपूर कंपनी रेलवे पुल को शीघ्र से शीघ्र खुलवाए जाने की मांग को लेकर शनिवार को लाइन पार वासियों ने सांसद से मुलाकात की। भारी संख्या में लाइन पार वासी सांसद डॉक्टर एस टी हसन से मिले और अपनी समस्या को उनके सामने रखा। सांसद ने भी लाइन पार वासियों को कपूर कंपनी पुल को शीघ्र मरम्मत कराकर उसे शुरू करवाने का आश्वासन दिया। साथ ही सांसद से मिलने पहुंचे लाइन पार के रहने वाले रूपचंद्र ने जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें सांसद साहब ने आश्वासन दिया है कि वो अपनी सांसद निधि से और रेलवे विभाग से बात कर कपूर कंपनी पुल का शीघ्र कार्य कराकर उसे शुरू करा देंगे। सांसद साहब ने आश्वासन दिया है कि जो पुल का कार्य हमारा रुका हुआ है, जो हमें 3 महीने का टाइम दिया गया था, वो 3 महीने के टाइम में से 1 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई और पुल को पैदल वालों को साइकिल वालों के लिए और बंद कर दिया गया, जिससे निकलने वालों को बड़ी दिक्कत आ रही है। स्कूल जाते हैं बच्चे और किसी भी इमरजेंसी के लिए हमें पुल पार करना पड़ता है, तो अगर हम हाईवे से जाएंगे किसी भी तरीके से बच्चे को कोई दुर्घटना हो गई या लाइन के क्रॉसिंग में पकड़ लिए जा रहे हैं या लाइन के नीचे आके कट गए बच्चे या लेडीज़, तो कोई हादसा हो सकता है। इस बारे में आप समझो कौन जिम्मेदारी लेगा। लाइन पार की आबादी करीबन 4 लाख से ऊपर की है और लाइन पार के लिए पुल बहुत अहमियत रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इनका मतलब यह है कि हम ये पुल बंद करके उसे या तो ख़त्म करना चाह रहे हैं या फिर इस पुल को हमें डाइवर्ट करके हाईवे पे जाना पड़ेगा, उसमें हमें नुकसान हो सकता है और नुकसान भी इस तरीके का होता है कि जान माल का भी हो सकता है उसमें नुकसान हम लोगों को। और कारोबार से संबंधित हम इसलिए हैं कि हम वहाँ के व्यापारी हैं, यहाँ से लेके गांगन और तुम्हारे की गांगन से आगे जोया पागवड़ा अगवानपुर लोधीपुर चौधरपुर यहाँ सब इस पुल से जुड़े हुए हैं, जो लोग यहाँ से निकलते हैं टू व्हीलर वाहन से मंडी का और पूरा मंडी का आड़त का भी काम यहीं से चलता है। और जितने भी हमारे लाइन पार के वासी हैं, हम यही चाहते हैं कि इस पुल का जो भी कार्य हो रहा है शीघ्रता से हो और जल्दी हो, जिससे हमारी जो दुश्वारियाँ हैं वो कम हो और ख़त्म हो। और फर्म में निकलने वाले जो मजदूर आदमी जो बेचारे साइकिल से आते रात को 9-10 बजे अपने घर को वापस लौटते हैं, अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो प्रशासन तो अपना आँख मूंद के बैठ जाएगा। ना रेल मंत्री कुछ कहेंगे इसमें, ना DRM साहब कुछ कह सकते, वो तो कह देंगे साहब पुल डैमेज हुआ पड़ा है, हम क्या करें। अगर पुल डैमेज है तो आप उसकी मरम्मत कराइए और जो मरम्मत हो सकती है, जो उसमें कार्य हो, वो उससे शीघ्रतापूर्वक कराया जाए आराम से। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो मांग है सिर्फ पुल की है बस। सांसद साहब ने तो ये कहा है कि भाई जो हमसे सहयोग होगा वो हम अपनी सांसद से भी देने तैयार हैं, DRM साहब अपना जो एस्टीमेट तैयार करें। साथ ही उन्होंने कहा कि लाइन पार मंडी समिति में भारी संख्या में किसान और मजदूर आते हैं और ऐसे में पुल के बंद होने से हर किसी को परेशानी होगी।